मैं अतर खान की माँ हूँ, जिसे पिछले 8 महीने से जेल में बंद किया हुआ है, क्योंकि वो CA का प्रोटेस्ट चला रहा था और पिछले 8 महीने से उसे जेल में बंद किया हुआ है। उसे जब अरेस्ट किया गया तो उसे घर पर क्राइम ब्रांच से फ़ोन आया था कि तुझसे बात करनी है और आ जाओ, लेकिन 1 जुलाई को जब फ़ोन आया उसके बाद वो सुबह उनसे मिलने गया तो उन्होंने वहाँ उसे अरेस्ट कर लिया। कोई वजह नहीं बताई, बस इतना ही बताया कि तूने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को बहुत टाइम से ये सब चल रहा था, जामिया में जब स्टूडेंट्स के साथ हुआ तो वो बहुत परेशान था, मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की पर वही यही कहता रहा कि हम अगर हम इस तरह से बैठ जाएंगे तो फिर मतलब ये ठीक नहीं है, CA का कानून जो है ये बहुत आम लोगों के ख़िलाफ़ है और हम इसमें कुछ गलत नहीं करने जा रहे हैं, हम जो भी करेंगे संविधान के दायरे में रहकर करेंगे, हम हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए फिर उसे पहले वो थोड़ा थोड़ा जाता था, फिर उसके बाद वो चांदबाग में प्रोटेस्ट साइट पर जाने लगा और प्रोटेस्ट में भी वो कुछ ऐसा बात नहीं करता था जिसके लिए उसे इस तरह से अरेस्ट किया जाता। मेरे समझ में नहीं आया कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया और उस पर UAP लगा दिया गया। आज उसे 8 महीने हो गए हैं, हम उससे बात तो करते हैं पर समझ में नहीं आता कि उसे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। और जैसे कि सब जानते हैं कि 1947 के बाद भारत के मुसलमानों ने भारत को, इस सरजमीन को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि हम इस देश के वासी हैं, हमें अपनी नागरिकता का प्रमाण पत्र लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उस वक्त में हमारे बाप दादा ने इस बात को सोच लिया होता कि आगे चलकर उनकी औलादों को इस तरह से अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी तो शायद वो अपने प्रमाण पत्र बनवाते, लेकिन हमें अपने प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हमारी उससे बात होती है तो उसने कहा कि मैंने अखबार में पढ़ा है कि CA को लेकर सरकार कुछ नियम बनाने वाली है, तो आपके पास अगर कोई कभी ऐसा आए तो आप उसको कोई भी कागज़ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम अपने हम जो आंदोलन से जुड़े थे तो उस आंदोलन को हम अपने कागज़ दिखाकर, अपनी नागरिकता प्रूफ करने के लिए कागज़ दिखाकर कमज़ोर नहीं कर सकते। इसलिए मेरी आप सब से अपील है कि जो बच्चे, जो भाई बहनें जिन्हें जेलों में ठूस दिया गया है UAPA के तहत, तो आप उनकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज न करें, आप मतलब आप अपनी नागरिकता का सबूत देने के लिए किसी भी तरह का कोई कागज़ ना दिखाएं। और ये कि शायद हमारे साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्यों हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मैं हमेशा इस बात पर फ़ख्र करती रहूँगी और मुझे इस बात पर भी फ़ख्र है कि मैं अतर खान की माँ हूँ। मैंने कभी भी अपने बच्चों को हिंदू मुस्लिम जो आजकल इतना फैला हुआ है कभी नहीं सिखाया, ना हमें इस तरह से सिखाया गया, पर पता नहीं कि माहौल इस तरह से बिगड़ता जा रहा है। उसने भी कभी इस तरह से नहीं सोचा था, वो कहता था ये प्रोटेस्ट इसमें सभी कम्युनिटी के लोग शामिल हैं और हमें सबके साथ मिलकर सहयोग देकर इस CA के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। बस इसी सब की सज़ा वो भुगत रहा है। सच्चाई की आवाज़ को जितने ज़ोर से दबाया जा रहा है समझ नहीं आता कि किस तरह से इस सब का हल निकलेगा। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि हमारी इस लड़ाई में साथ दें। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें, हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।